आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 कंडलिस्टिक पैटर्न सिखाने वाला हूं जो कि बहुत पावरफुल है। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप लगातार प्रॉफिट बना पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये कंडलिस्टिक पैटर्न आपको जहां पर भी दिखेंगे वहां से ट्रेंड कंटिन्यू मतलब जाएगा, वहां पर मतलब कुछ टाइम तक आपको ट्रेंड कहीं भी रिवर्स होते हुए नहीं दिखेगा, वहां से ट्रेंड कंटिन्यू जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको जो कंडलिस्टिक पैटर्न मैं सिखाने वाला हूं ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीख लेते हैं तो आप लगातार प्रॉफिट बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि कौन सी कंडलिस्टिक पैटर्न है, कैसे काम करेगी। मैं आपको इस कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट पर दिखाऊंगा कि आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर कैसे दिखती है। ठीक है, तो दोस्तों जो सबसे पहली कैंडलस्टिक पैटर्न है आपके सामने दिख रही है, यह है फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, आपको दोस्तों यह पैटर्न दो कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आपको दिखेगी। आपको ध्यान रखना है कि दो कैंडलस्टिक बनेगी, सबसे पहले आपको फर्स्ट कैंडल यहां पे दिखेगी। ठीक है, उसके बाद यहां पे थोड़ा सा गैप दिखेगा, गैप के बाद आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न और बनते हुए यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ट्रेंड नीचे ही जाएगा कंटिन्यू। ठीक है, ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपको ध्यान रखना है कि आपको ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दोनों साथ में दिखेंगी, उसके बीच में गैप रहेगा, आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद ट्रेंड यहाँ से नीचे जाएगा। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, लाइव आपको दिखाता हूँ कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे दिखती है। आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो आप वीडियो को देखते रहो लास्ट तक। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप इसका नाम जान लो, यहाँ पे फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे आपको टॉप पे दिख रही है, मतलब कि मार्केट नीचे से ऊपर गई, ऊपर से यहाँ पे रिवर्स हुई, वहां से आपको ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे आपको बनती हुई दिखी। इस दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न के बीच में थोड़ा सा गैप है, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड नीचे जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और दोस्तों यह कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कहाँ पे दिखेगी, ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको टॉप पे दिखेगी, सबसे ऊपर। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है जहाँ पर कोई रेजिस्टेंस हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे आपको कैंडलस्टिक बनती हुई दिखेगी। ये थी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आप चलते हैं हम अगली कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को देखो लास्ट तक, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको समझ में आ जाएगा सारी कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, राइसिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न, अभी आपने जो सीखा दोस्तों वो थी बेरिश। ठीक है, ये है बुलिश, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है राइसिंग विंडो। ठीक, ये वाले कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कहाँ पे दिखेगी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि मार्केट नीचे से आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आपको सपोर्ट पे, ठीक है, जहाँ पे मार्केट का सपोर्ट होगा वहाँ से आपको ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होता आपको दिखेगा, उसी के बीच में आपको ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेंगी। ठीक है, और इस दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न के बीच में आपको गैप दिखेगा। ठीक, आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से ट्रेंड ऊपर जाएगा कंटिन्यू, ठीक है, कहीं भी ये रिवर्स कुछ टाइम तक। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम चार्ट पे देखते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पे कैसे दिखेगी। ठीक है, आपको दिखाना जरूरी है, जब तक आप लोग देखेंगे नहीं चार्ट पे तब तक आप लोग सीखेंगे नहीं। ठीक, मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे, आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे आपको दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न के बीच में आपको गैप दिखेगा। ठीक है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तब आपको वहाँ पे एक बीच में ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख सकती हैं, तो वहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू कुछ टाइम तक ऊपर ही जाएगा, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अगली नेक्स्ट कैंडल है डाउन साइड तासुकी। ठीक है, तो आपको ये पैटर्न तीन कैंडलस्टिक पैटर्न से बनती हुई दिखेगी। यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न है वो दोस्तों यहाँ पे रहेगी रेड, फर्स्ट कैंडल के बाद आपको थोड़ा सा गैप डाउन यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पे सेकंड कैंडल दिखेगी दोस्तों, ये थोड़ा सा गैप डाउन के साथ आपको दिखेगी। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड कैंडल बनेगी वो रहेगी दोस्तों ग्रीन, ये छोटी सी कैंडल आपको बनती हुई यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनेगी, इसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट पे देखते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पे कैसे दिखेगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ये पैटर्न तीन कैंडलस्टिक पैटर्न से दिखेगा। ठीक है, इसके बाद इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद आपको यहाँ पे गैप डाउन यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, बाद यहाँ पे जो आपको सेकंड कैंडल बनती हुई दिख रही है दोस्तों, ये है रेड कैंडल। ठीक है, आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरह से दिख सकती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखो, हमने आपसे क्या बताया था कि यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको छोटी सी बनती हुई दिखेगी। ठीक है, फिर भी दोस्तों यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के बावजूद मार्केट गई है नीचे। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल है बुलिश, बुलिश अपसाइड मतलब तासुकी गैप। ठीक है,
यहाँ पे ये बुलिश कर्नलिस्टिक है। अभी जो मैंने कर्नलिस्टिक पैटर्न आपको बताया वो थी बेरिश कर्नलिस्टिक पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ग्रीन कर्नल यहाँ पे बनती हुई दिखेगी, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा गैप, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ग्रीन कर्नल फिर बनते हुए दिखेगी। यहाँ पे जो तीसरी कर्नल बनेगी वो रहेगी रेड, ठीक है। अब हम चलते हैं चार्ट पे, इस कर्नलिस्टिक पैटर्न को चार्ट पे लाइव देखते हैं कि ये कर्नलिस्टिक पैटर्न कैसे दिखता है, ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे आपको सबसे पहले ये वाली कर्नल दिखेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहेगा, यहाँ पे आपको एक ग्रीन कर्नल बनती हुई दिखेगी, उसके बाद यहाँ पे रेड कर्नल बनेगी। उसके बाद यहाँ से देखो मार्केट कैसे ऊपर गई है, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे कर्नलिस्टिक पैटर्न को नोट कर लेना है, ठीक है। आप चलिए दोस्तों नेक्स्ट कर्नलिस्टिक पैटर्न को सीखते हैं कि कौन से कर्नलिस्टिक पैटर्न है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट कर्नलिस्टिक पैटर्न है यहाँ पे देखो, ये है दोस्तों बेरिस। यहाँ पर दोस्तों इस कर्नलिस्टिक पैटर्न का नाम है बेरिस साइड बाई साइड वाइड लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या समझना है, देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे सपोज मानो कि मार्केट नीचे मार्केट जा रही है, यहाँ पे आपको ये टॉप पे आपको एक रेड कर्नल बनती हुई दिखेगी, उसके बाद यहाँ पे आपको ये फर्स्ट कर्नल बनने के बाद आपको थोड़ा सा गैप दिखेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो ग्रीन कर्नल यहाँ पे आपको बनते हुए साथ में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये कर्नलिस्टिक पैटर्न आपको कहाँ पे दिखेगा, ये डाउन ट्रेंड में दिखेगा, जैसे कि मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे दिखेगा। अब हम चलते हैं इस कर्नलिस्टिक पैटर्न को चार्ट पे देखते हैं कि ये कर्नलिस्टिक पैटर्न चार्ट पे कैसे दिखती है, ठीक है। यहाँ पर ये जैसे रेड कर्नल बनी है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा गैप है, उसके बाद यहाँ पे ये दोनों कर्नलिस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनी हुई है ग्रीन वाली, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली नेक्स्ट कर्नलिस्टिक पैटर्न को जानते हैं कि अगली नेक्स्ट कर्नलिस्टिक पैटर्न कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट कर्नल है यहाँ पे देखो, आपको उसी तरह से कर्नलिस्टिक पैटर्न यहाँ पे दिख रही है, लेकिन दोस्तों ये बुलिश कर्नलिस्टिक पैटर्न है, ठीक है। अभी आपने जो सीखा वो बेरिश थी, ठीक दोस्तों, उसी तरह से ये भी काम करती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। सपोज मानो कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे आपको बीच में ये ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी, उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये दोनों कर्नलिस्टिक पैटर्न यहाँ पे आपको बनती हुई दिखेंगे, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना होगा। और दोस्तों इस कर्नलिस्टिक पैटर्न का नाम है बुलिश साइड बाई साइड वाइड लाइन, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना। अब हम चलते हैं इस कर्नलिस्टिक पैटर्न को चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे कैसे दिखती है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऊपर जा रही होगी, यहाँ पर आपको बीच में ग्रीन कर्नल बनती हुई दिखेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा थोड़ा सा गैप, उसके बाद यहाँ पे आपको ये दोनों कर्नलिस्टिक पैटर्न यहाँ पे आपको बनती हुई दिखेंगी, उसके बाद यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू मतलब ऊपर ही जाएगा, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं नेक्स्ट कर्नल कौन सी है, ठीक है। ये है बेरिश सेपरेटिंग कर्नलिस्टिक पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये दोनों कर्नलिस्टिक पैटर्न आपको दो कर्नलिस्टिक पैटर्न से बनते हुए दिखेगी, ठीक है। आपको ये दोनों कर्नलिस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में दिखेंगी, यहाँ पर आपको ये कर्नलिस्टिक पैटर्न बुलिश ट्रेंड में दिखेगा, जैसे कि मार्केट ऊपर जा रही है।